हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेडमैन एंड टेक्निकल भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सीआरपीएफ में कौन सी ट्रेड पे कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, इनकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगी और इनका जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा उसके बारे में, और सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम ये जान लेते हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती में ऑनलाइन डेट, जो कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 27/3/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट रहेगी 25 अप्रैल 2023, इनकी लास्ट डेट रहेगी। अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 27 मार्च 2023 से 25 अप्रैल 2023 के बीच इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, 9212 पोस्ट पे इसमें वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनमें से मेल कैंडिडेट के लिए 9105 वैकेंसी रहेगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 107 वैकेंसी रहने वाले हैं। इसमें मेल व फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा, पे स्केल 21,700 से 69,100 इसमें आपका पे स्केल रहेगा। आपकी जो सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग होने के बाद में, वो 21,700 से 69,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें आपका जो सैलरी का जो लेवल रहेगा, स्केल रहेगा, वो लेवल थर्ड रहेगा। नेक्स्ट, इसमें हम जान लेते हैं एज लिमिट। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी, 21 से 27 एज आपकी रहेगी ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और जो अदर पोस्ट में निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए रहेगी 1823 इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। SC ST कैटेगरी की इसमें एज में छूट दी जाती है। SC ST को अपर एज में 5 साल की छूट रहेगी। OBC कैंडिडेट को अपर एज में 3 साल की छूट रहेगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में 5 साल की छूट रहेगी, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके अपर एज में 3 साल की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, इसमें हम जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं, इसी के साथ आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसके साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अदर जो पोस्ट हैं उनके लिए आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट और ITI ट्रेड से रिलेटेड जो वैकेंसी हैं तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कुछ ट्रेड में एक्सपीरियंस भी रहेगा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम इस सभी ट्रेड के बारे में बात करेंगे, कौन से ट्रेड पे कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा PST और PET के बारे में। PST में आपका जो रहेगा, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे हम, हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। इसमें अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और ST कैटेगरी से हैं तो आपका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हम बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। आपका जो चेस्ट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से अपना आवेदन करते हैं तो आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, इसमें हम बात कर लेते हैं फिजिकल में आपका जो रनिंग रहेगा, रेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, बैंड और कारपेंटर, बेलर, टेलर और कोबलर की पोस्ट के लिए आपका जो रेस रहेगा वो 5 किलोमीटर रहेगा, जो कि आपको 24 मिनट में करियर करना होगा। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए इन सभी ट्रेड्स के लिए जो आपका रेस रहेगा, रनिंग रहेगा, वो 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का रेस आपको 8.5 मिनट यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड में करियर करना होगा। नेक्स्ट, जो अदर पोस्ट रहेगी उनके लिए मेल कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का रेस 9 मिनट में क्लियर करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रेस 12 मिनट में क्लियर करना होगा। इन सभी पोस्ट को छोड़कर जो अदर पोस्ट रहेंगी उनके लिए मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रेस 9 मिनट में क्लियर करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रेस 12 मिनट में क्लियर करना होगा। इसके बाद में हम जान लेते हैं इनके CBT यानी कि जो आपका रिटर्न रहेगा, एग्जाम रहेगा, उसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपका जो पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट में आपका जो रिटर्न रहेगा, पहला आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछ रहेंगे जो कि 25 मार्क के रहेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क के रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा मैथ, मैथ में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क के रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा हिंदी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क के रहेंगे। इसी प्रकार आपका जो टाइम रहेगा रिटर्न का जो, वो 2 घंटे का रहेगा। इसके साथ आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहने वाली है। इसमें हम जान लेते हैं आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें आपकी जो वैकेंसी रहेंगी ड्राइवर ट्रेड में आपकी 2372 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2372 वैकेंसी इसमें मिलेंगी। मोटर मैकेनिक व्हीकल की ट्रेड पे आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो 544 वैकेंसी रहने वाली है। कोबलर की पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 151 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कारपेंटर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 139 पोस्ट रहेगी। टेलर की पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो 242 पोस्ट रहेंगी इसमें आपकी। ब्रास बैंड में आपको 172 वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपकी जो रहेगी पाइप बैंड में जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो 51 पोस्ट रहेंगी। नेक्स्ट आपकी रहेगी बगलर में 1340 वैकेंसी रहेंगी। नेक्स्ट आपकी जो रहेगी गार्डनर, गार्डनर में आपकी 92 पोस्ट रहेंगी। नेक्स्ट जो रहेगी पेंटर, पेंटर में 56 वैकेंसी और कुक और वाटर कैरियर में आपकी 2429 वैकेंसी रहने वाली है। वाशरमैन के लिए 403 वैकेंसी, बार्बर की 303 वैकेंसी और सफाई कर्मचारी के लिए 811 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो फर्स्ट रहेगा सीबीटी रहेगा। नेक्स्ट आपका जो रहेगा पीएसटी और पीईटी फिजिकल रहेगा। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट देना होगा। इसके बाद जो आपका रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। इसके बाद आपको मेडिकल रहेगा और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।